कोविड की जो सेकेंड सर्ज आई है उसमें जो हमें डायरेक्शंस कन्वे हुई थी वो ये था कि वी हैव टू स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट द कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, क्योंकि जब तक आप कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को ऑन ग्राउंड इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो आपकी पॉजिटिविटी रेट डाउन नहीं आएगी। पिछले 10-12 दिनों में हमने मैसिव कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर के लिए एनफोर्समेंट ड्राइव्स चलाई हैं, जिसकी वजह से हमारी पॉजिटिविटी रेट काफ़ी नीचे आई है और इस वक्त हमारी जो पॉजिटिविटी रेट है वो 2.23% है। हमारी मोर्टैलिटी रेट इस वक्त 1.18% है और हमारी रिकवरी रेट काफ़ी बड़ी है और इस वक्त हमारी रिकवरी रेट 95.24% है। जो टोटल केसेस सेकेंड सर्ज में अभी तक डिटेक्ट हुए हैं वो 3633 हैं, यानी 3633 हैं, जिसमें से 3460 जो है वो रिकवर हो चुके हैं और अनफॉर्चुनेटली हमारी 43 डेथ्स भी हुई हैं डिस्ट्रिक्ट रामबन में। इस वक्त हमारे एक्टिव केसेस 130 हैं और हमने टेस्टिंग एग्रेसिव टेस्टिंग की है, आरटीपीसीआर और रैप टेस्ट दोनों मिला के ओवरऑल हमने कोई 1,63,000 से ज़्यादा जो है हमने टेस्ट किए हैं एंड मोर देन 25% ऑफ दीज टेस्ट आर आरटीपीसीआर टेस्ट, जिनकी तादाद तकरीबन कोई 44,000 के आसपास है। 130 एक्टिव केस लोड है, उसमें से सिर्फ एक पेशेंट है जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रामबन के ट्रॉमा सेंटर में, विच हैज बीन नोटिफाइड एज ए लेवल 2 केयर कोविड केयर सेंटर, सिर्फ एक रिकवर हो रहा है, एडमिटेड है और बाकी जो हमारे पेशेंट्स हैं वो सेल्फ आइसोलेशन में हैं। जनरेशन प्लांट डीएच रामबन का है, दैट इज नियरिंग इंस्टॉलेशन। जो हमारी जो स्किड मशीन के जो कंपोनेंट्स हैं उसके बेशतर कंपोनेंट्स आए हैं, वी आर एक्सपेक्टिंग मोर मॉड्यूल्स एंड एक्सेसरीज और हमारी मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की टीम इज ऑन द जॉब, बहुत जल्द वो लगा के उसका ट्रायल टेस्ट होगा एंड वी आर एक्सपेक्टिंग दैट इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम हमारा ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट रामबन में ऑपरेशनल हो जाएगा। उसके अलावा हमारे दो और 300 LPM के ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स हैं जो इरा अंडर JTFRP बना रहा है। पिछली मतलब मैंने आपसे कहा था कि प्लिंथ लेवल तक का काम हो चुका है लेकिन अब ब्रिक वर्क शुरू हो चुका है दोनों CHC बानीहाल में और इमरजेंसी हॉस्पिटल अटोल में। एक्सपेक्टेडली उस पर काम काफ़ी तेजी से जारी है, दे हैव ऑल्सो टू मीट टाइमलाइंस। एक मतलब जब वो फंक्शनल हो जाएंगे तो हमारे बानीहाल और अटोल की जो ऑक्सीजन रिलेटेड जो कैपेसिटीज हैं वो बढ़ेंगी। शहर में डिस्ट्रिक्ट रामबन ने हैज डन अ फैंटास्टिक जॉब, जैसे कि हमारे जो ADC साहब हैं ही इज ऑल्सो द नोडल ऑफिसर ऑफ कोविड मैनेजमेंट और कोविड मैनेजमेंट के हवाले से इनकी सदारत में हमारी हेल्थ की टीम और हमारे जो बाकी टीमें हैं, फॉर एग्जांपल हमारे तहसीलदार हैं, हमारे सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट्स हैं, हमारे BDOs हैं और फिर जो सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन हैं जैसे ICDS में आपके आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, इसी तरह आशा वर्कर्स हैं, उन सबों को हमने उन सारी टीम्स को हमने कन्वर्ज करके एक मैसिव कैंपेन शुरू किया था डिस्ट्रिक्ट रामबन में। 45+ लोगों को जो है वो क्या नाम है वैक्सीनेट करने में और उसमें हमें काफ़ी कामयाबी मिली। हमारा जो टारगेट हमें दिया गया था 45+ का वो 75,760 था और उसमें जो लास्ट काउंट पे हम 80% से ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेट कर चुके थे। वी आर ट्राइंग टू फैक्टर इन माइग्रेटरी पॉपुलेशन, एक सर्टन ग्रुप है जिसमें वैक्सीन रेजिडेंसी भी है, उनको मोटिवेट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसके अलावा हमारी 18 से 44 की जो विंडो है वो भी खुली है और उसमें डिस्ट्रिक्ट रामबन में काफ़ी एनकरेजिंग रिस्पॉन्स मिला है हमें। हर दिन ऑन एन एवरेज हम 2,000 से ज़्यादा जो है 18 से लेकर 44 कैटेगरी के जो पर्सन हैं उनको वैक्सीनेट करते हैं। कल ही हमने 2176 पीपल हैव बीन वैक्सीनेटेड, डे बिफोर यस्टरडे 2076 पीपल वर वैक्सीनेटेड, उससे पहले भी हमने कोई 1500 लोगों को वैक्सीन किया, बट ऑन एन एवरेज वी वैक्सीनेट मोर देन 2000 पीपल एवरी डे। हम इसको स्केल अप करेंगे और हमारा जो टारगेट है, रिवाइज टारगेट जो हमें मिला है 18 to 45 कैटेगरी में, दैट इज 1,21,000, तो उसको हम जितना जल्दी हो सके अचीव करें। जहाँ तक पंचायत लेवल के कोविड केयर सेंटर्स हैं, इन्होंने हमारी जो बेड कैपेसिटी है उसको काफ़ी हद तक बढ़ाया है।
हमारी टोटल 143 पंचायत से हैं और 5 बेड के हिसाब से हमारी 715 बेड कैपेसिटी क्रिएट हुई है। दिस डीप कैपेसिटी, डीप स्ट्रेंथ, दिस हैज गिवन अस द मनूवरेबिलिटी टू टैकल एनी, यू नो, गॉड फॉरबिड कोई ऐसी कोई फर्दर चैलेंज ना आए कोविड का, लेकिन इन केस देयर इज अनदर चैलेंज ऑन द कोविड फ्रंट, वी विल बी एबल टू टैकल इट इन अ मच बेटर वे एट अ लोकलाइज लेवल। हर पंचायत में अगर आपके पास 5 बेड हैं और जो जो दोज पीपल हु एज आई सेड आल्सो इन माय लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस कि जिनके पास घर में वॉशरूम की एडिशनल रूम की फैसिलिटी नहीं है, वो आराम से यहाँ जो है रिकवर हो सकते हैं, सेल्फ आइसोलेट हो सकते हैं। हमारे पंचायत कोविड केयर सेंटर्स की सप्लाईज जेक्यू मेडिकल सप्लाईज कॉरपोरेशन से आ रही है, हमारे सीएमओ साहब को जो सप्लाईज प्रोक्योर करने थे वो भी आ रही है, हम इनको पंचायत कोविड केयर सेंटर्स पे ले रहे हैं, उनको इक्विप कर रहे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट किसी भी पंचायत कोविड केयर सेंटर में ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर है और हमने 143 में से 107 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स हमारे अवेलेबल हैं इस वक्त, और उन ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स में हमारे बैकअप के 35 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स भी हैं। उसके अलावा जो बाकी इक्विपमेंट है, फॉर एग्जाम्पल बेड है, उसके अलावा आपका ग्लूकोमीटर है, नॉन कॉन्टैक्ट थर्मोमीटर है, कोविड मैनेजमेंट किट्स हैं, वो सारी फैसिलिटीज हमने क्रिएट की है। हम पंचायत कोविड केयर सेंटर के लेवल पर रैट टेस्टिंग को भी एग्रेसिवली कर रहे हैं। लकीली पिछले कुछ दिनों से हमारे केसेस कम हो रहे हैं, हमारा एक्टिव केस लोड भी कम होगा, बट वी आर रेडी फॉर एनी इवेंचुअलिटी विज बी कोविड-19 इन्फेक्शन। जब कोविड की सर्ज थोड़ा सीरियस हो गई इन द लेटर पार्ट ऑफ मार्च और उसके बाद अप्रैल के महीने में, तो हमने डीडीएमए रामबन ने इससे पहले ही टीम्स कॉन्स्टिट्यूट की थी, फाइन इम्पोजिंग टीम्स, उसमें काफ़ी महकमों के ऑफिसर्स को हमने नॉमिनेट किया था एज फाइन इम्पोजिंग अथॉरिटीज़। उसमें हमारे पुलिस के कॉम्पोनेंट्स थे, ट्रैफिक पुलिस के कॉम्पोनेंट्स थे और हमारे बाकी जो ऑफिसर्स थे, दोज वेर असाइन, यू नो, फाइन इम्पोजिंग पावर्स, और हमारा ये रेगुलरली जो है फाइन का सिलसिला चला। लेकिन कोविड सर्च जब प्लेटवाइज हुई है, हमारे केसेस जो है वो कम हो रहे हैं, हम नहीं चाहते हैं कि कुछ कोविड इडियट्स की लापरवाही की वजह से, उनकी वजह से ये वायरस जो है फिर से अपना जो है वो अगली हेड रेज करें। सो उसको कंट्रोल करने के लिए हमने जॉइंट टीम्स कॉन्स्टिट्यूट की हैं अपने तहसीलदार की, एसएचओज की और बाकी सपोर्ट स्टाफ की। ये टीम्स जो है ऑन ग्राउंड जाएंगी और जो भी कोविड वायलेशंस प्रोटोकॉल्स की जो है वो वायलेशंस करता है, स्पेशली रिलेटेड टू नॉट वेयरिंग अ मास्क, तो उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। खास तौर से जो मास्क नहीं लगाते हैं, जो सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स को वायलेट करते हैं, खास तौर से ट्रैफिक में हमने देखा है ट्रांसपोर्टर्स जो है गाड़ियाँ जो है ओवरलोड हो रही हैं, 50% सीटिंग कैपेसिटी की वायलेशन हो रही है, जो हमारी डीडीएमए की गाइडलाइंस और एससीसी की गाइडलाइंस को वायलेट कर रहे हैं। पिछले एक हफ्ते में हमने काफी फाइन इम्पोज किया है, ऑन एन एवरेज हम कोई 1,00,000 रुपए का फाइन लगा रहे हैं। द मोटिव और आइडिया इज नॉट टू इम्पोज फाइन, द मोटिव इज टू क्रिएट डिटरेंस, ताकि लोग जो है मास्क लगा के बाहर निकले, खासतौर से मार्केट प्लेसेस पे, खासतौर से क्राउडेड प्लेसेस पे। उसके अलावा हमारी ड्राइव ज़्यादा एग्रेसिव हो जाती है, ज़्यादा प्रोएक्टिव हो जाती है वीकेंड कोरोना कर्फ्यू। हमने देखा है कि फ्राइडे, सैटरडेज और संडेज को लोग ज़्यादा कंप्लेसेंट हो जाते हैं, तो उनको टैकल करने के लिए हमारी जो टीम्स हैं, मोबाइल टीम्स जाती हैं और हैवी फाइन इम्पोज करती हैं। डायरेक्शंस आल्सो आर टू बी, यू नो, टू एम्फसाइज ऑन जीरो टॉलरेंस व्हेन इट कम्स टू कोविड इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर, और दोस इन डायरेक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट विल बी इंप्लीमेंटेड इन रिटर्न स्पिरिट। हम किसी भी शख्स को, किसी की बंदे की लाइफ के साथ खेलने की इजाजत नहीं देंगे। सो मैं आपके मीडिया के ताउन से लोगों को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि जब भी वो बाहर निकले तो दे शुड वेयर अ मास्क, मेंटेन सोशल डिस्टेंस और जो बाकी कोविड प्रोटोकॉल्स हैं उनको ओबे करें। अब चूंकि कोविड जो है कि जो सर्ज है उसमें काफ़ी कमी आई है, हमारे केसेस भी काफ़ी कम हुए हैं। अभी रिसेंटली हमारे, आपने सुना होगा कि हमारे जितने भी डिस्ट्रिक्ट प्लान्स हैं वो अप्रूव हुए हैं। बहुत जल्द जो डिस्ट्रिक्ट प्लान के हमारे जितने भी आइडेंटिफाइड काम हैं, चाहे वो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के कॉम्पोनेंट में हो, निगोसिएटेड लोन के कॉम्पोनेंट में हो,
एरिया डेवलपमेंट फंड में हो या यूटी के तक से जो हमारा जो बजट है उसमें हो, उन सारे कामों को हम ऑन ग्राउंड एग्जीक्यूट करेंगे। इनफैक्ट हमने अपना प्रोसेस ऑलरेडी शुरू किया हुआ है और गवर्नमेंट की जितनी भी डायरेक्शन इसमें आई है वो हम इम्प्लीमेंट करेंगे। हमारी कोशिश होगी कि जो हमारा 310 करोड़ 21 लाख का इस साल का डिस्ट्रिक्ट जो प्लान आया है, वी विल इंश्योर दैट ईच यू नो पार्ट ऑफ द मनी एवरीथिंग इज यूटिलाइज्ड ऑन ग्राउंड। सो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स के हवाले से ऑफकोर्स जो हमारे हमारी जो कोविड की गाइडलाइंस है वो इन प्लेस रहेंगी। हमें उम्मीद है कि जितने केसेस हमारे कम होंगे हमारी कोविड की जो रिस्ट्रिक्शंस हैं उतनी ही रिलैक्स होंगी और ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम हमारे डेवलपमेंटल वर्क्स की एग्जीक्यूशन में कोई जो है कोई कमी नहीं आएगी। इसके अलावा मैं एक चीज की तरफ और इशारा करना चाहूंगा कि इवन ड्यूरिंग द पीक ऑफ द कोविड सर्ज, खासतौर से इन द मंथ ऑफ लास्ट वीक ऑफ अप्रैल एंड द एंटायर मंथ ऑफ मई, इस पूरे कोविड के पीरियड में हमारे नेशनल प्रोजेक्ट्स पे काम बंद नहीं हुआ। The district administration extended all support to the NH-44 for leaning की जो execution हो रही है by various construction companies led by NHAI, और उसके अलावा Northern Railways और IRCON और जो हमारे railways का जो USBRL का project है उसका काम भी खुशनुमा के साथ बड़े smoothly चला और COVID की वजह से हमने इन national projects की execution पे किसी किस्म का कोई जो है वो रुकावट नहीं आई। और विच इज द क्रेडिट फॉर दिस गोज टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑन ग्राउंड एंड ऑल्सो टू द अथॉरिटीज। हमने उनके कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को रेगुलरली उनको जो है उनकी टेस्टिंग की, काफी केसेस उनके भी पॉजिटिव आए लेकिन उनकी भी सेल्फ आइसोलेशन हुई और मेजोरिटी ऑफ देम ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम वो रिकवर हुए। तो विद कोविड डिपिंग ए लिटिल बिट, इन्फेक्शन डिपिंग ए लिटिल बिट, वी हैव टू बी मोर यू नो एक्टिव, वी कांट बी कंप्लेसेंट। हमारी नजर इस पे होगी और हम कंटिन्यूअसली अपनी टेस्टिंग जो है उसको कंटिन्यू रखेंगे। देर विल बी नो रेस्पाइट टू कोविड इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर, वायलेटर्स को नहीं छोड़ा जाएगा। हम किसी भी लेवल पे अपना जो कोविड का गार्ड है वो लोवर नहीं करेंगे। हमारी टेस्टिंग एग्रेसिवली चलती रहेगी, चाहे वो नाशी पे हो चाहे वो जेपी पे हो। इन केस हमारे रेलवेज के ऑपरेशन शुरू होंगे तो हम इमीडिएटली अपने रेलवे स्टेशन बानीहाल पे भी टेस्टिंग शुरू करेंगे। उसके अलावा आरटीपीसीआर टेस्टिंग को स्केल अप किया गया है। हमारा जो टारगेट था 200 का रिवाइज करके 250 किया गया है, बट ऑलमोस्ट एवरी डे हम अपने 250 के आरटीपीसीआर के टारगेट को एक्सीड करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल यस्टरडे वी डिड ऑलमोस्ट 300 टेस्ट, उससे पहले भी हम अपने टारगेट को एक्सीड कर चुके हैं, क्योंकि जितना आप टेस्ट करेंगे उतना ही आपको फेयर आइडिया मिलेगा कि आपका कितना इन्फेक्शन डिस्ट्रिक्ट में। जैसे कि आपको पता है कि रिसेंटली एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट स्कूल एजुकेशन इश्यूड ऑर्डर्स फॉर स्टार्टिंग कम्युनिटी क्लासेस, पर्सुएंट अपॉन दैट हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट ने, चीफ एजुकेशन ऑफिसर ने डिस्ट्रिक्ट रामबन के लिए कम्युनिटी क्लासेस का ऑर्डर निकाला है। कल इनफैक्ट आई हैव रिसीव्ड अ रिपोर्ट विच हैज कंफर्म स्टार्ट ऑफ कम्युनिटी क्लासेस इन सर्टेन स्कूल्स। लेकिन हमारी कोशिश होगी कि जो भी वो बच्चे जिनको ऑनलाइन क्लासेस से या ऑफलाइन स्टडी मटेरियल से बेनिफिट नहीं हुआ है वो कम्युनिटी क्लासेस से जो है अपना सिलेबस कवर करें। और जैसे कि लास्ट टाइम में मैंने कहा था कि बच्चे जो है दे आर दी वर्स्ट सफरर्स ऑफ द कोविड, उनकी ब्रेन की डेवलपमेंट, द डिप्रेशन दैट दे आर फेसिंग, दिस कैन थोड़ा सा उनको वेंट मिलेगा व्हेन दे पार्टिसिपेट इन कम्युनिटी क्लासेस। आई हैव strictly emphasized upon the education department in Rambat that jo bhi community classes hogi that will be strictly as per covid appropriate behavior with social distancing norms and sanitizers or masks laga ke ye classes karni hai taki ek bachcho ko ek classroom ka jo ek ek jo ek feel hoti hai wo generate karne ke liye community classes ka hona bahut zaruri hai। Sir has already issued orders एंड इन अ फेज वाइज मैनर हम जो है ZDOs को भी डायरेक्शंस दी गई हैं कि वो खास तौर से उन स्कूल्स के बच्चों को पहली प्रेफरेंस दें जिन्हें ऑनलाइन क्लासेस और ऑफलाइन में जो स्टडी मटेरियल दिया जाता है उसका बेनिफिट नहीं मिला है। जैसे कि मैंने लास्ट टाइम भी कहा था कि हमारे अराउंड 52,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स हैं जो स्कूलों में एडमिटेड हैं और उसमें से एक बेशतर तबका, लार्ज परसेंटेज, हैव नॉट बेनिफिटेड फ्रॉम ऑनलाइन क्लासेस इन एब्सेंस ऑफ अ स्मार्टफोन इन देयर होम और बाकी इश्यूज को लेकर। तो उन पे हम हमारा फोकस होगा, उन टारगेटेड ग्रुप को हमने पहले पकड़ना है ताकि उन बच्चों को जिनको पिछले 2-3 महीने में कोई बेनिफिट नहीं मिला है दे आर टारगेटेड एंड दे गेट बेनिफिट आउट।